दिल्ली में वायु की गुणवत्ता इस मौसम में पहली बार बहुत खराब श्रेणी की हो गई है और राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर हो गया है। वायु की गुणवत्ता खराब होने के लिए वाहनों के प्रदूषण, निर्माण गतिविधियों और मौसम संबंधी कारकों समेत कई कारकों को जिम्मेदार ठहराते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आने वाले दिनों में दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता के और खराब होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने बुधवार को कहा है कि उपग्रह की नवीनतम तस्वीरें दिखा रही हैं कि खतरनाक स्तर पर पराली जलाई जा रही है और इसे तत्काल रोका जाना चाहिए, वरना दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत को गंभीर स्वास्थ्य जोखिम से जूझना पड़ेगा। कुछ दिन पहले दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंचने के बाद सोमवार को एनवायरमेंट पॉल्यूशन अथॉरिटी और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिए गए थे। इसके तहत वायु गुणवत्ता और बिगड़ने से रोकने के लिए कई उपाय अमल में लाए जाते हैं। EPCA की सदस्य सुनीता नारायण ने कहा, हम अधिकारियों को निर्देश देने जा रहे हैं कि वे दिल्ली के मुख्य स्थानों पर सख्त उपायों को लागू करें। हमारे पास वजीरपुर और द्वारका में भी कचरा जलाए जाने के साक्ष्य हैं और यह दूसरा मुद्दा है जो हम अधिकारियों के समक्ष उठाएंगे। EPCA के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनरेटर सेटों पर पाबंदी, पार्किंग शुल्क बढ़ाने और आने वाले दिनों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को और मजबूत करने जैसे उपायों पर विचार कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।